ने देखा कि लखन अलग ही जाके खाना खा रहे हैं। मैं कैसे पीछे रह जाती, मैं भी चली गई खाना खाने के लिए। सच में 5 से 6 जैसी बजे एकदम से अंधेरा हो गया और खाना भी स्टार्ट हो गया। खाना स्टार्ट हुआ इतने में और गेस्ट आ गए। उन गेस्ट से मिलते मिलते मैं खाने के बारे में भूल ही गई, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हो ना तो आपकी भूख अपने आप ही मिट जाती है। मिलने के तुरंत बाद ही मैं चली गई खाना खाने के लिए और खाने में चिली पटेटो बहुत ज्यादा टेस्टी थे। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे फंक्शन में, क्योंकि रो का सेरेमनी स्टार्ट हो ही गई थी। हम लोग चेयर लेके पहुंच गए थे, उसके बाद एंट्री होती थी दुल्हन की। दुल्हन बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, हमारी दीदी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। भाई शर्म क्यों ना आए, शर्म तो आती है, ये वही तो दिन है जब शर्माया जाता है। सच में मुझे अपने दिन याद आ गए जब मेरी एंगेजमेंट थी, मैं कितना शर्मा रही थी, लेकिन लखन और मेरी एंट्री बिल्कुल साथ साथ में हुई थी तो इतनी शर्माहट आ नहीं रही थी। फिर हम लोग गए थे रूबी दीदी को लेकर, जिनकी थी आज सगाई। फिर उनको बैठाया स्टेज पर जाकर, सबसे पहले गोद भराई हुई। गोद भराई की रस्म कुछ ऐसी थी, बहुत सारी चीजें उनको गिफ्ट में मिली ससुराल वालों की तरफ से।